बहुत पीसफुल है, बड़े ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से सारी परीक्षा चली हुई है, और कहीं से भी किसी की तरह की कोई अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। और हमने इसके लिए सारे प्रिकॉशन ऑलरेडी लिए भी हैं, इवन जैमर्स भी इंस्टॉल हैं, तो किसी तरह की भी अनफेयर मीन्स के कहीं से कोई शिकायत भी नहीं है और पॉसिबिलिटी भी नहीं है। उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन बड़ी एडवांस स्टेज पे है, और कुछ जो इनके किंग पिन्स हैं लोकल्स और बाहर के, उन पे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद जो है फिर उसका इसके जो टोटल एक्सपेंस और क्वांटम है इस सारे फ्रॉड का और इस सारे चीटिंग वाले सारे केस का और इस सारे उसका सारा तभी खुलासा हो पाएगा, और ये जल्दी हो जाएगा। जिला कांगड़ा के सारे पालमपुर में हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे को जितनी जितनी एकोमोडेशन चाहिए थी उतनी अवेलेबल हो पाई है, और 16 टोटल सेंटर्स हैं और 11,500 के ऊपर यहाँ पे टोटल परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं। इसी तरह से ऊना में भी KC कॉलेज है, हमने वहाँ पे एक ही सेंटर है, इसमें 4 ब्लॉक्स में चल रहा है, और चंबा में 2 सेंटर्स हैं और वहाँ पे 2 डिफरेंट लोकेशन पे पीसफुली सारा चल रहा है। जिला कांगड़ा में 13 भर्ती परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन केंद्रों में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। कड़ी सुरक्षा की बात की जाए तो जैमर यहाँ पर लगाए गए हैं, CCTV की निगरानी में ये परीक्षा हो रही है। 550 के करीब यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ना जा सके। जैमर की सहायता से मोबाइल को जैम किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 11,500 के करीब यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं अपनी परीक्षा देने के लिए आए हैं, इससे पहले जो है वो ये परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसका मामला जो है वो अभी पुलिस उसकी जाँच में लगातार कोशिश कर रही है कि कहाँ से ये गिरोह जो है वो सक्रिय हुआ था। लेकिन इस बार जो है वो जो भर्ती परीक्षा चल रही है वो पुलिस की कड़ी निगरानी में चल रही है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। एक बार नहीं बल्कि 3-3 या 4 बार अभ्यर्थी को उसकी जांच की जा रही है, उसके बाद ही उसे परीक्षा केंद्र में बैठने दिया गया है। पालमपुर से कैमरामैन अभिषेक के साथ मनोज धीमान, समाचार फर्स्ट।